अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलिए, काफी खुशी हुई आपको और भाभी जी का प्यार देखकर। लेकिन प्रॉब्लम ये है तिवारी जी कि वो समझती नहीं है मेरी बात कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, समझ नहीं रही है। तो आप समझाइए ना। बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझ रही। आपकी तो काफी कुछ बातें मानती है वो, तो क्या आप मेरे ब्याह पे समझाने की कोशिश करेंगे उसको? हाँ, वैसे वाकई हमारी काफी बातें मानती हैं। अब अपने बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने हमारे कहने पर बदले हैं। जैसे कि वो एक बार आपको तलाक देने पर उतारू थी, तो हमने कहा नायक आप भभूति जी को तलाक नहीं देंगी, भभूति जी को तलाक देने के विषय में आप सोचेंगी भी नहीं। और देखिए उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। उन्होंने कहा कि आप तिवारी जी, मैं आपकी बात नहीं टाल सकती और उन्होंने आपका तलाक नहीं दिया। एक नंबर का फेकू है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ तिवारी जी, तो प्लीज प्लीज समझाइए नानू को मेरे लिए, प्लीज मेरे लिए समझाइए प्लीज। चलिए समझाते हैं। देखा तिवारी जी, सिर्फ आपकी वजह से मेरी शादी बची हुई है अभी तक। थैंक्स, हाँ थैंक यू वेरी मच। चाय पिला। एक नंबर का चैटू कहीं का, फैसले बदल लिए इनके चक्कर में। बड़े बड़े भाभी जी घर पर हैं। अरे तिवारी जी, आइए आइए बैठिए। पता है अभी कुसुम बुआ जी से बात हो रही थी, वो लोग तो इंतजार कर रहे हैं बेबू का। जी भाभी जी, बस बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इंतजार ही करते रह जाएंगे, कोई माई का लाल भभूति जी को अमेरिका नहीं भेज पाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो स्वयं भभूति जी ने कहा। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी? कुछ भी नहीं भाभी जी, हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। आपने क्या क्या देखा है और क्या क्या सुना है, मुझे एग्जैक्टली बताइए जरा। वो अपने काबिल दोस्त प्रेम चौधरी से कह रहे थे कि वो किसी भी हाल में अमेरिका नहीं जाना चाहते, तो प्रेम चौधरी ने उनसे कहा कि क्यों? तो वो कहने लगी वहां जाके काम करना पड़ेगा, और कौन बेवकूफ काम करना चाहता है, कौन बेवकूफ होगा जो अपनी कमाऊ पत्नी के पैसों पर ऐश करे और फिर अचानक उसे अमेरिका जाना पड़े और वहां पर खुद कमाना पड़े। ऐसा कहा उसने? ऐसा कहा उसने? जी भाभी जी, का वैसे कहा तो और भी बहुत कुछ है। और भी बहुत कुछ क्या कहा उसने? क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि दरअसल अनु जो है वो मेरी बेरोजगारी के तांगे की वो घोड़ी है जो रोज कम से कम इतना तो कमा ही लेती है कि मैं उसके पैसों पर ऐश कर सकूं।
तो फिर प्रेम चौधरी ने उनसे पूछा कि अबे विभूतिये, अगर तू अमेरिका नहीं गया ना तो यही घोड़ी तुझे लात मार देगी। प्रेम चौधरी ने भी मुझे घोड़ी कहा? विभु ने क्या कहा फिर? उन्होंने कहा कि इस घोड़ी की लगाम तो मेरे हाथ में है, ये लात तो नहीं मारेगी, हाँ हिन हिनाएगी जरूर। विभु ऐसे आप देख रहे हैं तिवारी जी, मैं इस आदमी को अमेरिका भेजकर इसकी लाइफ बनाना चाहती हूँ और ये कि मेरी तुलना एक घोड़ी से कर रहा है। लेकिन इस घोड़े को अब तो मैं अमेरिका भेज के ही रहूंगी। घोड़ा नहीं भाभी, गधा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे भैया, हापुस नाम में क्या बुराई है? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम हापुस रखा है, तुमको क्या दिक्कत है? हैं? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम हापुस इसलिए रखा है ताकि सबको लगे कि वो खास हैं और मैं आम है कि नहीं। अब मुझे हापुस की तरह चूसना बंद करो भैया, रखो फोन है कि नहीं। मैडम, हापुस नाम में कोई बुराई है? नहीं। मेरे जानकार को बहुत बुरा नाम लग रहा है मेरा, बोल रहा है हापुस नाम। हापुस नाम में क्या बुराई है? मेरे माँ बाप ने अपने दोनों बच्चों के नाम आमों पर रखे हैं, मेरा हापुस, मेरी बहन का दशहरी, है कि नहीं? देखिए, मेरी बातें सुनकर, मेरा नाम सुनकर आप भी मुस्कुराई, इसका मतलब मेरा नाम हापुस अच्छा है कि नहीं? पर सब आपकी तरह नहीं सोचते ना। वैसे आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी से लग रही है, क्या मैं आपको जानती हूँ? वैसे मैडम, ये दोस्ती करने का बहुत पुराना तरीका है। वैसे हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। देखिए, आपको मेरा नाम तो पता चल गया ना, हापुस खुशवाहा, है कि नहीं? जी, मैं परी। नीचे कब गिरी? नहीं, मेरा मतलब कहने का है, नीचे कब आई? आसमान से? आप हर बात में मजाक ही करते हैं। देखिए, ये जो मजाक होता है ना, हंसी मजाक करना इंसान को जरूरी है, इससे इंसान जिंदा रहता है। एक सेकंड, वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। मेरा अनुमान है कि आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगेंगी, है कि नहीं? वैसे मैं इंसान का चेहरा पढ़ लेता हूँ। अच्छा, क्या पढ़ा आपने मेरे चेहरे पर? है कि नहीं? मेरा मतलब है कि मैंने ये पढ़ा कि आप मुस्कुराने में बहुत कंजूसी करते हैं, आप खुश रहने में कंजूसी करते हैं, जिंदगी जीने में कंजूसी करते हैं, है कि नहीं? वैसे परी जी, मुझे क्या लगता है कि इंसान को ये जन्म बार बार नहीं मिलता है, क्या पता अगले जन्म में हम कीड़े मकोड़े, जानवर, कुत्ते बिल्ली कुछ भी हो सकते ना। तो मेरा ये मानना है कि इंसान को ये जो जन्म मिला है ना, इसको जी भर के खुल के जीना चाहिए, है कि नहीं? बाकी आप मेरे आने से पहले जो करना चाह रहे थे वो आप कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप यहाँ देखिए, अगर आपको मेरा चेहरा लुच्चा लफंगा बदमाश का नहीं लग रहा हो तो आप मुझसे दोस्ती कर सकते हैं, है कि नहीं? कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।